भूमाफियाओं का हौसला बुलंद, बेखौफ होकर गरीबों पर ढा रहे कहर। एक तरफ जहां योगी सरकार भूमाफियाओं पर नकेल कस रही है, तो वहीं भूमाफिया बगैर परवाह किए सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पूरा मामला मऊ जनपद के राज मध्येशिया नगर पंचायत मधुबन रुक्मानंद मध्येशिया निवासी ग्राम पंचायत मधुबन क्षेत्र का है, जहां उपजिलाधिकारी से लेकर जिलाधिकारी के आदेश के बावजूद पीड़ित दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। पीड़ित न्याय के लिए पुलिस से लेकर अधिकारियों तक चक्कर लगा रहे हैं, परंतु न्याय नहीं मिला। आइए सुनते हैं पीड़ित की जुबानी दर्द भरी कहानी। हमारा नाम राज मुंतिसिया है। हमारा गांव हमारा नगर पंचायत मधुबन में निवासी हैं हम। यही हमारी मार्केट में दुकान भी है किराने की। क्या मामला है आपका? सर हमारा मामला ये है कि हमने नजूल से हमारे तरफ हमारे लिए फ्री होल्ड हुआ है डीएम साहब के द्वारा जमीन। आज 2000 से हमारा जमीन का फ्री होल्ड किया गया हमारे जमीन को, लेकिन उसका मुकदमा चल रहा था न्यायालय में। और यहाँ एक शैलेंद्र नाथ पांडे जी हैं जो पीछे जमीन लिए हुए हैं हमारे, जो हमारे पीछे जमीन लिए हुए हैं 2069 में। उसका वो भूमाफिया किस्म के आदमी भी हैं। उनका ऐसा मामला लगभग यहाँ से लेके दुबारी टमटा 10-12 जगहों पे। योगी राज में आदमी भूमाफिया है क्या? बहुत है हमारे साथ वो। हम उनसे पीड़ित हैं। हम भूमाफिया ही नहीं, वो दबंगई के साथ साथ वो भूमाफिया ही कर रहे हैं हम लोग के साथ। ये हमारे साथ उन्होंने हाथापाई किया, हमारा हाथ फ्रैक्चर कर दिया मार के। आपने उस अधिकारी को उसकी शिकायत की है? हमने यहाँ अपने यहाँ दिया, उसके बाद डीएम साहब के यहाँ भी दिया, एसपी साहब के यहाँ भी दिया। हमारे एसपी साहब ने सीओ साहब को लिख के दे दिया। अधिकारी एसडीएम होता है, एसडीएम साहब के पास भी हम गए थे। उनका आदेश क्या मिला? एसडीएम साहब ने बोला हमारा काम को सुन नहीं रहे हैं एसओ साहब। एसडीएम के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं कोतवाल जी? एसडीएम साहब, हाँ एसडीएम साहब ने हमसे बोला कि हम तुमको लिख के दे दे रहे हैं, और वहाँ जैसे अवैध कब्जा हो रहा था हम लिख के दे रहे हैं, लेकिन अब उसको एसओ साहब रुकवा सकते हैं, हम मौके पे जाके मार झगड़ा नहीं कर सकते। मांग क्या है? हमारी मांग यही है सर कि हमारा जमीन कब्जा न किया जाए। उनके द्वारा हमारे जमीन को पूरा कब्जा करने के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये देखिए ईंट भी गिराए हुए हैं यहाँ पे। जिले से लेके तहसील तक आपने प्रार्थना पत्र दे चुके? हर जगह हमने दे चुके, हमने मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाला हुआ है सब कुछ। कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।